नमस्कार, लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तलाक। तलाक दो प्रकार से होता है। जब पति पत्नी में से एक व्यक्ति तलाक चाहता है या पति पत्नी दोनों तलाक चाहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(b) इस संबंध में प्रावधान करती है कि आपसी सहमति से तलाक कैसे किया जाए। उपधारा 1, हिंदू विवाह के दोनों पक्षकार यानी पति पत्नी न्यायालय में आवेदन देते हैं कि हम दोनों पिछले एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और इस बात के लिए सहमत हैं कि हमारा विवाह विघटित कर दिया जाए, यानी हम दोनों के बीच में तलाक करा दिया जाए। अलग अलग रहने की परिस्थितियां कोई मजबूरी हो सकती है या आपसी समझौता हो सकता है। अलग अलग एक छत के नीचे भी रह सकते हैं या अन्य मकान में भी रह सकते हैं। न्यायालय इस कारण में नहीं जाएगा कि आपस में क्या विवाद है और क्यों अलग अलग रह रहे हैं। जब दोनों पक्षों का हस्ताक्षर करके आवेदन न्यायालय में आता है और ये तथ्य होते हैं कि हम सहमत हैं, न्यायालय सहमति को इस तरीके से देखेगा कि सहमति में किसी पक्षकार पर कोई दबाव, जबरदस्ती, किसी प्रलोभन से कोई सहमति तो नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपसी सहमति के प्रार्थना पत्र पर विचार कर सकता है। उपधारा 2, विवाह के दोनों पक्षकार आवेदन जब पेश करते हैं उसके बाद 6 माह का समय अगली मीटिंग के लिए दिया जाता है। वो 6 माह का समय दोनों पक्षों के बीच कोई मनमुटाव है, कोई आपसी समझौते की गुंजाइश है, इस पर विचार करने के लिए दिया जाता है। 6 माह बाद अगर दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित होते हैं और ये कहते हैं कि हम आज भी तलाक लेने के लिए सहमत हैं, तब न्यायालय उन तथ्यों की जांच करने के बाद यानी आवेदन में जो कथन किए गए हैं उनकी जांच करने के बाद और यह देखने के बाद कि विवाह संपूर्ण हुआ है, रीति रिवाज से विवाह की शर्तों के अनुरूप कोई विवाह हुआ है, तब न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि आदेश के दिनांक से विवाह विच्छेद किया जाता है। यहां 6 माह का पीरियड जो कूलिंग पीरियड है वो विचार करने के लिए दिया है। इस बीच विवाह के किसी पक्षकार द्वारा यदि आवेदन पर अस्वीकृति की जाती है और यह कहा जाता है कि मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूं,
तो न्यायालय आदेश नहीं करेगी। उस कंडीशन में दूसरे पक्ष के पास केवल यह विकल्प बचता है कि वो विवादास्पद तलाक दाखिल करे और उस आधार पर न्यायालय में तलाक ली। चूंकि वो तलाक का तरीका महंगा है, लंबा है, समय बर्बाद होता है और वैवाहिक मामलों में एक लंबे समय तक आपस में अदालतों में लड़ते रहने से दोनों पक्षों को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए प्रावधान किया गया कि पक्षकार अगर आपस में साथ नहीं रह पाते हैं, असहनीय पीड़ा है, जीवन साथ नहीं चल सकते, तो उस कंडीशन में दोनों का तलाक कराया जाना ही फायदेमंद है, आर्थिक रूप से, समय के रूप से लोगों की बर्बादी को बचाया जाता है। इसलिए आपसी रजामंदी के तलाक में अधिक फायदे हैं। अमरदीप सिंह बनाम हरवीर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से परिवार न्यायालय को यह निर्देश दिया कि धारा 13B उपधारा 2 के अंतर्गत जो 6 माह का समय है, न्यायालय इस इंतजारी के समय को अनिवार्य रूप से न देखें। अगर कोर्ट को ये नजर आता है कि परिस्थितियां इस तरह की विद्यमान हैं, तलाक का कराया जाना अति आवश्यक है, तब न्यायालय द्वारा यह देखा जाएगा कि पक्षकारों के बीच में भरण पोषण के, बच्चों की अवरक्षा के, संपत्ति के सभी मामले आपस में सुलझा लिए गए हैं अथवा कोई संभावना नहीं बची है कि दोनों एक साथ आ सकते हो या किसी तरह का कोई समझौता हो सकता हो। 6 महीने का पीरियड अधिक पीड़ादायक हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां हैं और जो पहला मोशन था उससे पहले 1 साल तक अलग अलग रह चुके हैं, उस स्थिति में न्यायालय उस 6 माह के पीरियड को खत्म करके तत्काल तलाक का भी आदेश दे सकता है। धन्यवाद। मेरा प्रयास आप तक सरल शब्दों में कानून के प्रावधानों को पहुंचाने का है। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आपके विचारों का स्वागत है और यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो जनहित में इन विचारों को, इन कानून के सरल प्रावधानों को आगे लोगों तक पहुंचाएं जिससे अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। पुनः धन्यवाद।